मेरे बियर्ड का भाई, हम टीनेजर्स इस समय का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ फैक्टर्स बताने वाला हूँ, पहले तो इधर देख लो, ठीक है। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ फैक्टर्स बताने वाला हूँ जिन पर आपकी बियर्ड डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपको अपने फैक्टर्स पता चल गए तो आप अपने बियर्ड को ग्रो कर सकते हो। इंटरेस्टिंग बॉयज, लेट्स हॉप इनटू। नंबर वन इज जेनेटिक्स, यानी कि आपकी बियर्ड जो है, आपकी जो फेशियल हेयर ग्रोथ है, वो आपके जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करती है। अगर आपके पापा की बियर्ड आती है, अगर आपके दादाजी की बियर्ड आती थी, तो आपकी भी बियर्ड आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी 16 साल की एज में आ गई थी, आनी शुरू हो गई, तो आपकी 16 साल में आएगी। ये बियर्ड ग्रोथ होती है, ये डिपेंड करती है आपके लाइफस्टाइल पे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आपके फादर की आती है आपकी बियर्ड, तो आपके दादाजी की बियर्ड आते हैं, तो आपकी भी बियर्ड आएगी। रूल नंबर वन। नंबर टू इज TRT, जिसका मतलब होता है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है। अब ये जो हार्मोन होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस करता है, लाइक मसल मास गेन करने में बहुत हेल्प करता है, फेशियल हेयर भी यही लाता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर TRT अगर ज़्यादा है, तो आपकी बियर्ड जल्दी आ सकती है। वहीं पर अगर आपके TRT लेवल्स बहुत लो हैं या फिर कम हैं लेवल्स, तो आपकी बियर्ड इतनी जल्दी नहीं आएगी। तो अब ऐसे कुछ फूड्स होते हैं, इन पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, जो आपके बियर्ड को जल्दी लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। नंबर थ्री इज पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आपके अगर आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है जेनेटिक्स वाला, तो ये नहीं कि आपके, मान लो आपके फादर के 16 साल की एज में बियर्ड आनी शुरू हो गई थी और आप 18 के हो चुके हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे दोस्त, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं, टीनेजर्स बेसिकली, जिनके हल्की सी दाढ़ी आ जाती है, कहते हैं कि बस इससे आगे नहीं जाएगी। तो क्या करते हैं, वो ट्रिम कर देते हैं या फिर शेव कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। एक बार आपको जितनी ग्रो हो सकती है उसे होने दो, एक बार देखो मत, क्योंकि ये स्टार्टिंग एज होती है। वो हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं, यहाँ पे एक हेयर फॉलिकल आ गया उसका, तो अगले को स्टिमुलेट करता है, फिर अगले को स्टिमुलेट करता है, ऐसे धीरे धीरे आपकी बियर्ड ग्रो होती है। अगर लेकिन आपने तो उन्हें बीच रस्ते में ही उन्हें उड़ा दिया, तो पंगे पड़ सकते। तो पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फाइनल नंबर फोर इज डाइट। डाइट पे तो सब कुछ डिपेंड करता है, आपकी हेयर, स्किन, आपकी ओवरऑल बॉडी की एक्टिविटीज़, है ना। तो अपनी डाइट में भी कुछ चेंजेस आपको लेके आने पड़ेंगे, जितना हो सके उतना घर का बना खाना खाना है आप। एंड थैंक वाइज सोच लीजिए स्टूडियो, अगर आपके स्टूडेंट्स कुछ सीखने को मिला तो इसे वीडियो लाइक तो जरूर कर देना, और चैनल में आएगा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल पर टैप नहीं करना, ताकि आपको स्टाइल, ग्रूम, पर्सनैलिटी रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। जस्ट वे बॉयज, सी यू नेक्स्ट टाइम।